खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा लग रहा है कि देश के 59 सीटों का चुनाव अब बंगाल में जो कुछ हुआ उसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हिंसा कोलकाता में हुई, कोलकाता के कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई, लेकिन मुद्दा बना दिया गया है पूरे देश का। बात यहां तक बढ़ गई है कि ममता बनर्जी ने इसे बंगाली बनाम बाहरी करार दे दिया है, हंगामा करने वालों को बाहर से आए गुंडे कह दिया है और फिर पीएम मोदी ने इसे चुनावी बना दिया। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में हिंसा और हंगामे की शुरुआत किसने की? इसे लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि बीजेपी ने हिंसा की साजिश रची और बाहर से लोग बुलाए गए। ये लोग कलकत्ता में सब बिहार से आए थे, ये बिहार का आदमी ना, इंसान ना है, ये बीजेपी का गुंस है। यूपी से आया था, राजस्थान से आए थे, बीजेपी का ऑल गुंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ममता के इस आरोप का सच क्या है ये फिलहाल नहीं पता, लेकिन सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है? क्या कोलकाता की रैली या रोड शो में दूसरे राज्यों के लोग नहीं जा सकते? क्या यूपी, बिहार या दिल्ली के लोग अमित शाह के रोड शो में शामिल होंगे तो वो गुंडे कह दिए जाएंगे? जिस तरह ममता दीदी वहां पर यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों पर निशाना साध रही है, उन्हें बाहरी बताकर अपनी राजनीति कर रही है बहन मायावती, इस पर ममता दीदी को जरूर कुछ खरी खोटी सुनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको आपकी चिंता नहीं है, उनको तो कुर्सी का खेल खेलना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाहरी लोगों का मुद्दा उठाकर ममता को घेरा तो ममता सफाई देने के लिए मजबूर हो गए। बिहारेर भाई बोनेदेर आमि भालोबासि तारा एटा करे ना, उत्तर प्रदेशेर भाई बोनेदेर आमि भालोबासि तारा एटा करे ना, एटा करे कारा? बीजेपीर ओई गुंडागुलो। आगे खेते पेतो ना, सामने गेरुआ, पेछने डाकातिया। अन्ना अन्ना बीजेपी के एके बारे ना, चाइना चाइना मोदीर मुख देखते चाइना, चाइना चाइना बीजेपी अन्ना बीमादेर आमरा बदला नेबोई, बदला नेबोई, बदला नेबोई। पिछले चार दिनों से ममता बनर्जी लगातार पीएम मोदी को धमकियां दे रही हैं। पहले इंच इंच का बदला लेने की बात कही, फिर यहां तक कह दिया कि वो चाहे तो दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर कब्जा कर सकती है और चाहे तो बंगाल में किसी को घुसने भी न दे। कितना मीटिंग किया मोदी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कितना मीटिंग किया अमित शाह, कितना जोगी वोगी सब किया, एक भी मीटिंग में चप्पल कोई दिखाया, कोई झाड़ू कोई दिखाया? वो तो अरविंद को भी चप्पल थप्पड़ मारा। हम ऐसा नहीं करते, अगर हम एक सेकेंड बोलते ना तो ये लोग बंगाल में घुसने नहीं सकते, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। चुनाव आयोग अब देश के डेमोक्रेसी को बचाए और कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जिसमें ममता बनर्जी एज ए मुख्यमंत्री रिजल्ट तक उसका वैकल्पिक उपाय खोजे राष्ट्रपति से मिलकर के, नहीं तो वो एक तरह से लंका बन गई है डेमोक्रेसी की। वो लंका बन गया अत्याचार का, वो लंका बन गया है घुसपैठियों को शरण देने वाली, वो लंका बन गया है अन्यायियों को शरण देने वाली, वो लंका बन गया है लोकतंत्र को खंडित खंडित करने वाली। इसलिए उस लंका में हर एक हनुमान को वहां पहुंचना है और उस लंका के रावण को ध्वस्त करना। बीजेपी ममता बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है, इसकी वजह है बंगाल में ममता की दीदी की। जिस तरह बंगाल में कभी लेफ्ट पार्टियों का दबदबा था, वैसे ही अब तृणमूल कांग्रेस की तूती बोलती। छह चरणों के चुनाव में हुई हिंसा इसका सबूत है।